सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पेज नंबर 20 ऊपर क्या लिखा है। व्यंजन से जब स्वर है मिलते, मात्राओं का रूप है धरते। मिलजुल कर फिर शब्द बनाते, हंसते गाते शोर मचाते। शब्द कहा फिर चुप रह पाते, मिलकर सुंदर वाक्य बन जाते। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हुए हैं, ए न क, ए नक, आ ब अब। अगर अरहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तो स्वर एक निश्चित चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जैसे क के साथ आ जोड़ा जाए तो का, ल के साथ ए जोड़ा जाए तो ले। यहाँ आ का चिन्ह है और ए का चिन्ह है, अतः स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? स्वर अ। व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का मेल। स्वर जैसे अ कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन त अ त उससे एक शब्द दिया गया है तन। ऐसे ही सारे मात्राओं से एक एक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तन ताला, तिन का तीर, तुम तुली का तृण, तेल तैरना, तोता तोलिया। ऐसे ही तुम लोग भी मात्राओं से शब्द लिखने की अभ्यास करना। आ ई ओ ओ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती है, ये हमेशा याद रखना। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है। ऐसे ही ए व ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। ये सारी बातें हमेशा याद रखना। तो आज हम क्या जाने? मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से हिंदी कॉपी में करना और इस पाठ को समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।